गुड मॉर्निंग योगेश नेहा तान्या सिकेश एंड आयुषी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी साथ साथ दिस इज अनादर न्यू मॉर्निंग फॉर अस विल बी स्टार्टिंग टूगेदर आज हम लोग काफी सारे लेक्चर्स लेंगे काफी सारे मतलब आई ट्राई टू टेक लेक्चर्स थ्रू आउट द डे मे बी विद इन अ गैप ऑफ वन वन आवर एंड वील कम्प्लीट लॉट मेनी टॉपिक्स बिकॉज आई बीन गेटिंग अ लॉट मेनी मेल्स ये भी करा दो ये भी करा दो ये भी करा दो तो मैं सुपर ह्यूमन का अनुप्रया बनने वाली हूँ ओके एंड सुपर वुमन भी बन जाऊंगी सो वी हैव टू कवर अलॉट मेनी थिंग्स एंड कुछ कुछ डाउट्स लोगों के आए हैं जिनके मैंने रिप्लाई किए हैं कुछ कुछ टॉपिक्स सम सम वांट यूनिट नाइन यूनिट सेवन हिस्ट्री कवर करो ट्राइब्स कवर करो मॉडर्न इंडिया कवर करो ओके okay? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि ट्वेंटी आज क्या डेट है <laughs> सिक्सटी ट्वेंटी फिफ्थ देखो यार ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च तक ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च तक जो भी साथ साथ चीजें हो पाएंगी हम लोग कवर करेंगे ट्वेंटी फिफ्थ मार्च के बाद आई डोंट वॉन्ट आप में से कोई भी कि कोई नई चीज उठा के पढ़े ओके okay? तो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च रात बारह बजे तक जिसे जितना नया पढ़ना है उठा के जिसे जितना नया टॉपिक्स पढ़ने हैं नए वीडियोस देखने हैं नए नय, नई बुक्स पढ़नी है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च तक कर लो जो करना है ओके ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च से एग्जाम के दिन तक सिर्फ क्वेश्चंस लगेंगे और रिविजन होगा मतलब आई एम जस्ट सजेस्टिंग इट फॉर यू मे बी समझ लो कि एक टीचर आपको ऑर्डर कर रही है दैट यू शुड डू इट यू शुड लगाओ मतलब हजार दो हजार क्वेश्चन जितने लगा पाओ उतने लगाओ ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च के बाद भले ही मान लो सिलेबस के दस यूनिट है और तुम्हारे दो यूनिट छूट गए हैं तुम नहीं कर पाए हो डोंट डू इट बिकॉज उन दो यूनिट को कवर करने की जगह जो बाकी आठ यूनिट हैं तुम वो रीड तो कर चुके हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो दस यूनिट तुम रीड करके जाओ उससे बेटर है कि आठ पे अपना स्ट्रांग होल्ड बना के जाओ ओके, सो कीप ऑफ मार्च, कीप इट एज अ डेड लाइन फॉर योर सेल्फ कीप इट एज अ डेड लाइन फॉर योर सेल्फ अपने लिए इसको एक डेड लाइन बनाओ कि इसके बाद मैं नहीं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी इसके बाद मैं सिर्फ रिवाइज करूंगी और क्वेश्चन लगाऊंगी ऑल्सो आज यहाँ पे लेक्चर्स जो काफी सारे होंगे अलग अलग टॉपिक्स पे कोई एक पर्टिकुलर यूनिट पकड़ के नहीं चलेंगे अलग अलग चीजें कवर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे ऑल्सो आईल बी स्टार्टिंग अ करंट अफेयर्स मॉड्यूल एक करंट अफेयर्स मॉड्यूल करेंगे जिसमें uh, हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर्स करेंगे एंड वील बी गोइंग इन द रिवर्स ऑर्डर लाइक मार्च फेबर ऐसे उल्टा चलेंगे ठीक तो मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स की क्लास आज मैं ले लूंगी जिसमें क्या होगा यू विल हैव क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट स्लाइड वुड हैव द आंसर उसमें एक्सप्लेनशन होंगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि चीजें याद हो जाती हैं ठीक है तो मेक श्योर sure कि ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च तुम्हारे कैलेंडर में तुम्हारे सामने हो कि इसके बाद तुम नहीं कुछ नया पढ़ने वाले हो इसके बाद सिर्फ रिविजन होगा ओके ठीक है तो सुपर वुमन वंडर वुमन के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं इससे पहले किसी को कोई और सजेशन हो तो देखो यार मेल में तुम लोग कभी कभी ऐसी चीजें बोलने लगते हो जो मेरे समझ भी नहीं आती हैं कुछ है जो यहाँ पे बोलना है तो बोलो राहुल हैज ए डाउट मैम हम लोग उस टॉपिक को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं जहां से एम पी एम ज्यादा क्वेश्चन पूछता है राहुल यू आर ओपन टू सजेस्ट सच टॉपिक्स टू मी बताओ मुझे यहाँ पे आज तुम हारे हिसाब से चलते हैं तुम बताओ तुम कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो या तुम चाहते हो कि हम यहाँ पे कौन से टॉपिक्स कवर करें जस्ट लिस्ट थ्री टॉपिक्स थ्री टू फाइव टॉपिक्स योर एंड आई सी वट कैन बी डन बिकॉज लोग मुझे जो जो पी डी एफ भेज रहे हैं या जो जो उनकी डिमांड्स हैं मैं वो मैगजिमम लोगों की जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है तो ये मेरे पास पी आई थी तो मैं इसको कवर कर रही हूँ बिकॉज इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक किसी को करना था हाँ वॉन्टेड टू स्टार्ट इकॉनमी इसलिए मैंने इकोनॉमी स्टार्ट किया नाउ पीपल वांट मी टू कवर करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स रीड करने से अच्छा उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर लेते हैं तो वो मैं करने वाली हूँ कुछ लोग मॉडर्न इंडिया बोल रहे हैं मॉडर्न इंडिया मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज शाम से स्टार्ट कर दें करंट अफेयर्स के साथ उसको पैरेलल करें जब हमारा इकोनॉमी खत्म हो जाए एंड वन वन मोर थिंग इसके बाद हम एक ट्राइब्स का लेक्चर लेंगे बिकॉज एवरीबडी ये अग्रीड कि हाँ ट्राइब्स पढ़ना है ओके okay. साकेत सिंह इन्वायरमेंट करा दीजिए सो सी इनमेंट भी मैं कराऊंगी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च तक का टाइम है ऑफ ऑफ मार्च मार्च तक तक हम चीजें करते हैं 25th तक के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे डोंट वरी अबाउट इट जस्ट सजेस्ट राहुल सजेस्ट मी साकेत यू टेल मी एनवायरमेंट के कौन से देखो यहाँ पे 25 मार्च तक इन्वायरमेंट एज अ यूनिट कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है कुछ लोग अभी मुझे गुस्सा करेंगे कि मैं यहाँ पे इतनी बात क्यों कर रही हूँ बट दैट इज इंपॉर्टेंट टू वन डिस्कशन इंपॉर्टेंट है अदरवाइज कुछ मैसेज करते हैं कुछ मेल करते हैं ऐसे नहीं हो पाता है सबके सामने यहाँ चीजें हों तो वो ज्यादा बेटर है तो एक राहुल है सजेस्टेड कि <coughs> ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो सो हिल बी टेलिंग अस द टॉपिक हम आगे उसमें देखते हैं उसके बाद साकेत सिंह इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में क्या यू वॉन्ट कवर द इंटायर बुक ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है वो अभी अभी के पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट फिल्म के पहले बुक एक नहीं दस निपटा देंगे कोई दिक्कत नहीं जस्ट सजेस्ट मी द टॉपिक टेल मी विच टॉपिक डू यू वॉन्ट टू स्टडी इन एनवायरमेंट ओके उमंग आकाश सिकेश प्रियंका सजेस्ट अ टॉपिक ओके कृष्णा इज सिंह स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स लुक स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स को मुझे तुम्हें रटाना मतलब यहाँ बैठ के मैं रटाने के लिए नहीं हूं आई एम हियर टू कवर टॉपिक्स कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुम्हें वहाँ पे वो बैठ जाए दिमाग में अब मुझे कोई अवार्ड मिला है या मैंने कोई टाइटल जीता है मे बी मैंने फ्रेंच ओपन जीता है मतलब ठीक है फ्रेंच ओपन जीता है यूएस ओपन जीता है तो उसको मैं तुम्हें कैसे याद करा दू तो ये वो टॉपिक्स नहीं हैं जो यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, है ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हें रात भर जग के रटने हैं ओके okay? राहुल आ, हैज दिस की करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स सो स्पोर्ट्स तुम लोग कवर कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई एम आई हैव टॉक टू अ फैकल्टी मे बी बिकॉज मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी इतना सारा तो मे बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वन अनदर पर्सन वुड स्टार्ट एंड इफ वो मैं आज रात तक कन्फर्म कर दूंगी अगर वो चीज़ नहीं हो पाती देन आई टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके और करंट uh, अफेयर्स का मैंने बोला कि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे रीड रीड करके क्वेश्चन क्वेश्चन nah, नहीं बनेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे तो आपके पांच सौ क्वेश्चन एटलीस्ट कवर होंगे आयुष दुबे इज सेइंग रिलीजियस मूवमेंट्स इन नाइनटीन एंड टेंटी सेंचुरी सी रिलीजियस मूवमेंट्स आप क्या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं रिलीजियस मूवमेंट्स के अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए रिलीजियस मूवमेंट्स हो गए अगर उस टॉपिक की बात कर रहे हो तो वो कर सकते हैं ओके राज क्लियरली सेइंग यहाँ पे कि हाँ पहले यू ऑल वांटेड पीडीएफ्स तो वो मैं पीडीएफ्स शेयर कर दे रही थी ना यू ऑल वांटेड क्लासेस तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है आई गिव यू ऑल टू मिनट्स इट्स नाइन 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 इलेवन नाइन ट्वेल्व तक का टाइम लो हम लेक्चर थोड़ा सा पाँच मिनट बाद स्टार्ट करते हैं एंड सजेस्ट टॉपिक्स मुझे सब्जेक्ट मत बताओ कि एन्वायरमेंट पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है स्पोर्ट्स पढ़ना है डोंट टेल मी द सब्जेक्ट्स डोंट टेल मी की क्या एज अ होल पढ़ना है यूनिट्स कवर करने का टाइम पच्चीस मार्च तक का नहीं है हमारे पास ह्यूमनली बात करते हैं प्रैक्टिकली बात करते हैं ओके okay? तो जस्ट टेल मी की क्या पढ़ना है जैसे आयुष हेज क्लियरली सेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आई विल टेक आई प्रॉमिस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की क्लास होने वाली है सो वन टॉपिक विच आई एम राइटिंग हियर इज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आई एम गोइंग टू टेक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ओके राजा राम मोहन रॉय से लेकर विल बी स्टार्टिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आयुष डन ओके Uh, दूसरी चीज मैंने तुम लोगों को बोला करंट अफेयर्स हम लोग रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम मार्च बैकवर्ड ठीक है इसके बाद योगेश सिंह यूनिट टू अब इसको मार पड़ेगी यूनिट टू में क्या नहीं समझा यूनिट टू में क्या ओके okay. और किसने बोला यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया और एक आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गया इसके अलावा क्या चाहिए

आज मैं एक लेक्चर लूंगी ट्राइब्स मैं आई डोंट थिंक वो स्नेह त्रिपाठी से तो मैं उसके बाद पढ़ने की जरूरत है ट्राइब्स बहुत डिटेल में कवर हो जाएंगी वो 11-15 पेज की अगर पीडीएफ है जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं वो पढ़ लेना ट्राइब्स कवर हो जाएंगी ओके okay? सो so, ये तीन टॉपिक हो गए आफ्टर दैट इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या पढ़ना होता है बचपन में पढ़ रहे थे यार इकोलॉजिकल सिस्टम क्या पढ़ना है इकोलॉजिकल सिस्टम में री इम्पॉर्टेंट okay, यार अब वो मे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहां से डाउनलोड करूँ तो इफ समबी कैन सेंड मी मे बी राजीव आजमी के ट्वेल्थ के बायो के चैप्टर्स उन चार चैप्टर्स की पीडीएफ मुझे दो एंड मेक श्योर की वो चार चैप्टर्स uh, अलग अलग पीडीएफ में हो एंड प्लीज रीनेम दो वील कंप्लीट बायोलॉजी के चार चैप्टर्स uh, ट्वेल्थ की बायोलॉजी के लिए दैट विल कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ साइंस ओके ये चार टॉपिक हो गए एक अभी किसी ने इन्वायरमेंटल कन्वेंशन बोला था इन्वायरमेंटल कन्वेंशन की बात बोली थी इन्वायरमेंटल <coughs> कन्वेंशन की बात बोली थी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट हैं दीज वुड बी कवर्ड जस्ट अ सेकेंड धीरे धीरे पढ़ती हूँ हिस्ट्री right? भी हो रहा है जोग्राफी भी, भी हो रहा है सब कवर हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग करंट जब करेंगे उसके अलावा हम लोग एक मॉड्यूल ऐसा भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कर लेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए चैप्टर ओके okay? राहुल सिंह हिस्ट्री ऑफ एम पी मिनिमम टेन क्वेश्चन आज डिरेक्टली इन एम पी पी एस सी हिस्ट्री ऑफ एम पी अब आप चाह रहे हो कि हिस्ट्री ऑफ एम पी एज अ होल कवर करें तो वो दैट इज उसको हम अगर ये सब हो जाएगा उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एम पी कर लेंगे ठीक प्रियंका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक चलो ठीक है अगर हो जाएगा तो ये भी कर लेते हैं आज हम इन पांच टॉपिक्स को रखते हैं सबसे ऊपर ये पांच टॉपिक्स रखते हैं आई विल राइट इट जस्ट अ सेकेंड <clears throat> okay, also, those people who have actually suggested this to me. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के नोट्स मेरे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं होगा ट्राइब्स की बात हो गई वो मेरे हैं करंट अफेयर्स आई हैव मैनेज इन्वायरमेंटल कन्वेंशन की अगर कोई पी डी एफ इफ एनीबडी हैज इन इंग्लिश देन प्लीज सेंड इट टू मी मेल इट टू मी विदाउट वाटर मार्क्स बायो से रिलेटेड जो चार चैप्टर्स हैं दैट राज सेंड मी ओके ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई यूश इज एक्चुअली सेम्पॉर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट एंड नाइनटीन थर्टी फाइव वट आई विल डू इज आई विल टेक अ क्लास दैट विल कवर योर एक्ट कौन कौन से एक्ट नाइनटीन जीरो नाइन नाइनटीन 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 थर्टी फाइव और मे बी इसके पहले सीधे पहुंच जाएंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन सेवनटी थ्री पे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट उसमें मैं काउंसिल्स एक्ट पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी उसकी हिस्ट्री विस्ट्री नहीं समझाऊंगी कि ऐसा इस टाइम पे क्यों हुआ ऐसा इस टाइम पे क्या क्यों हुआ ये नहीं समझाऊंगी फैक्ट्स रहेंगे उन फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे वो याद हो जाएंगे तो हमारे एक्ट्स कवर हो जाएंगे अच्छा याद दिलाया एक्ट्स करने हैं एक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके राहुल यू हैव एनीथिंग एल्स टू सजेस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस है तो बताओ इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू सजेस्ट टू अस अब इसके अलावा तुम लोगों को कोई सजेशन हो नेहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई हैव सेड मुझे आज रात तक का टाइम दो अदरवाइज इफ अनदर फैकल्टी इज रेडी फॉर इट ही माइट स्टार्ट इट अदरवाइज मैं स्टार्ट कर दूंगी नॉट ए प्रॉब्लम कृष्णा 1773 सिलेबस में नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग की आगे क्यों हुआ कैसा हुआ उसके लिए एक बेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूंगी यहाँ पे अदरवाइज दीज थ्री एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वील डू इट ओके

मार्च तक जो ह्यूमनली पॉसिबल होगा जो सुपर वुमन से पॉसिबल होगा सुपर वुमन वुड डू इट ओके टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करते हैं नाउ वी आर बिगनिंग विद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस चैप्टर बिफोर आई स्टार्टेड प्लीज 40 लोग अगर देख रहे हो तो सेशन लाइक like कर दो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करी सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कल हम लोग जब इंपॉर्टेंट मिनरल्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें वी हार्ट डिस्कस कि लाइम स्टोन भी मिलता है सो लाइम स्टोन इज अबंड स्टेट अबंडेंट काफी ज्यादा मात्रा में लाइम स्टोन हमें एम पी हमारे राज्य में मिलता है एंड दिस लाइम स्टोन इज एक्चुअली वो जो आपके सीमेंट सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है ठीक इसके बाद बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो ये बानमोर कैमूर सतना नीमच और मैयर की पांच फैक्ट्रीज हैं विच आर इंपॉर्टेंट ओके okay? ये जो है दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट सीमेंट फैक्ट्री पहली सीमेंट फैक्ट्री है <laughs> That was established in 1922. 1922, 1922 में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में 1922 में डिस्ट्रिक्ट में। मुरैना डिस्ट्रिक्ट इसके बाद अगर बात करें तो कैमूर फैक्ट्री है एक सतना सतना सीमेंट फैक्ट्री है तो कहाँ पे होगी मेरे घर में तो होगी नहीं सतना सीमेंट फैक्ट्री देखो अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ तुम लोग बोलोगे ये क्या है पोर्टलैंड एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इतना डिटेल में नहीं जाना है टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं कई बार हम सिल्क के बारे में पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ सिल्क सिल्क मलबरी और टसर होती हैं दीज आर टाइप्स वुड के बारे में पढ़ोगे अगर लकड़ी के इंडस्ट्रीज बारे में पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप की चिप बोर्ड बोर्ड क्लिप और uh, कुछ अलग अलग टाइप की वुड्स आती हैं तो ये वो सारी चीजें हैं ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री बानमोर में है आपकी मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बानमोर फैक्ट्री इन मुरैना ओके नेक्स्ट यू हैव मैयर की फैक्ट्री देख ली आपने इन सतना इसके बाद डायमंड इंडस्ट्री देखो यार ये तो डायमंड कहाँ है देश में अकेला एक जगह कौन सी है पन्ना डायमंड्स आर एक्सकेवेटेड इन पन्ना ओके एंड डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग प्लांट की बात करें डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड को काटना और उसको पॉलिश करने का जो प्लांट है दैट इज सेटअप इन पीतमपुर दैट इज सेटअप इन पीतमपुर बाय विजय कुमार इंटरनेशनल विजय कुमार इंटरनेशनल ने पीतमपुर में ये सेटअप किया है डायमंड से रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो पन्ना आ जाएगा देन यू हैव चाइना क्ले इंडस्ट्रीज इसके बाद फायर क्ले इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप के क्लेज हैं। चाइना क्ले क्या होता है ये काफी ज्यादा मोल्डेबल होता है ठीक है चाइना क्ले फायर क्ले है फायर क्ले ब्रिक्स आ, आपकी जो मैन्युफैक्चर करने के काम आता है इसके बाद अगर कॉपर एंड आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें ये पीडीएफ पढ़ोगे एक बार बैठ के आधा घंटा निकाल के इस, मेरे लेक्चर के बाद इसको पढ़ोगे अपने आप चीजें याद होती जाएंगी बिकॉज इतनी बार सुन रहे हो और दो दिन में इसको इतनी बार पढ़ लोगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन डायरेक्ट ही आना है ये मैं कल के लेक्चर में तुम्हें समझा चुकी हूँ ये मैं कल के लेक्चर में तुम्हें समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट ही आना है बी एच एल कहाँ है भोपाल में है इट मैन्युफैक्चर्स हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद द यूज ऑफ कॉपर आयरन एंड अदर एलॉयज तो कॉपर और आयरन के साथ मैन्युफैक्चर करता है ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कौन करता है बी एच ई एल बी एच ई एल के फुल फॉर्म में ही आपका ये चीज आ जाती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल हैवी इलेक्ट्रिकल्स ओके ये हमने देख लिया इसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रॉक फॉस्फेट ये हम लोग एक लेक्चर में और भी डिस्कस कर चुके हैं रॉक फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट सॉल्ट जो है दैट इज फाउंड इन झाबुआ अब जिन लोगों ने जोग्रफी पढ़ी है मेरे साथ उनको पता है कि झाबुआ कहाँ है और झाबुआ के बगल में अलीराजपुर कहाँ है वो किस साइड है नॉर्थ में साउथ में ईस्ट में है कि वेस्ट में जल्दी मुझे बताओ मध्य प्रदेश के ओके सो रॉक रॉक फॉस्फेट की हमने बात करी दैट इज इन झाबुआ इसके बाद हम कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज तुम लोग जानते हो ऑलरेडी अब देखो यहाँ पे इस को पढ़ना चाहो एक बार रीड मार लेना नीचे दो तीन टेबल्स और आएंगे जिसको मैं बोलूंगी मार 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 रट्टा मार मारना ही पड़ेगा ओके किताब सिर पे मार मार के रट्टा मारना ही पड़ेगा उसको क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा तो मेरी मेरी आवाज उतनी याद नहीं आएगी जितना वो रट्टा काम आएगा ठीक है तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी शुगर इंडस्ट्रीज हैं हमने देखा है शुगर शुग केन और कॉटन शुगर शुगकेन कॉटन के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है चलो ये बताओ शुगर शुग केन कॉटन के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मेजर प्लांट्स आपके कहाँ हैं भोपाल शुगर मिल सीहोर जिवाजी राव शुगर कंपनी हो गई आपकी मंदसौर में देन यू हैव सेठ गोविंद दास शुगर मिल इन उज्जैन एंड जावरा शुगर मिल ये आपकी जावरा शुगर मिल है तो ये शुगर मिल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीधे आपसे पूछ लिया कि सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ पर है अब ढूंढते रहो कहां पर है तो इसको फैक्ट की तरह याद करना है कि सेठ गोविंद दास शुगर मिल की अगर हमने बात की तो इज इन उज्जैन दैट इज इन उज्जैन नेक्स्ट काफी सारे शुगर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ सत्ताइस शुगर प्लांट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में और पहला जो शुगर मिल है दैट वज स्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन थर्टी फोर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट देखो द नंबर ऑफ शुगर मिल्स जो हैं आपके ट्वेंटी uh, ट्वेंटी के स्टेटस के हिसाब से छब्बीस वगैरह है ठीक है लेकिन माँ पीताम्बरा शुगर मिल ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हैज बीन सत्रह में और कहां पे दतिया में दतिया में मां पीताम्बरा शुगर मिल है <coughs> दतिया में सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट ये याद रखना है इसको एज अ फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में कैन कम की माँ पीताम्बरा शुगर मिल कहाँ पर है कौन से जिले में है <coughs> ज द करेक्ट आंसर ब्लैकली टू इट एंड चलो आगे बढ़ते हैं बिफोर दैट अनुराग वैद्यू आर ऑलमोस्ट लेट इन एवरी क्लास ऑफ माइंड एवरी क्लास ऑफ माइंड ठीक है चलो राइस मिल्स की बात करते हैं राइस मिल्स देखो ये राइस मिल की बात करें तो जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा राइस मिल्स थे जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब हम लोगों का राइस का प्रोडक्शन ज्यादा था ओके और राइस के काफी मिल्स हमारे पास थे लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के पास काफी ज्यादा जो मिल्स थे और एरियाज थे वो वाले एरिया आपके छत्तीसगढ़ में चले गए तो कंपैरेटिवली अब हमारे पास कम है ठीक तो अगर अब ये देखो सेक्टर वाइज मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्रीज की बात करें तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इसको रट्टा मार लो पहले शुगर मिल की बात करो पहले कॉटन मिल की बात करो पहले सीमेंट प्लांट की बात करो और फर्स्ट पेपर मिल की बात करो और फर्स्ट पेपर मिल की बात करो तो जावरा बुरहानपुर बानमोर नेपानगर नेपानगर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि न्यूज प्रिंट से रिलेटेड है पेपर से रिलेटेड है एन एन से याद हो जाएगा पिछली क्लास में बता चुकी हूँ तो फर्स्ट पेपर मिल हो गया सीमेंट प्लांट सीमेंट अभी हमने ऊपर पड़ा है बानमोर देखा था मुरैना में ओके <laughs> okay, तो ये हो गया कॉटन मिल बुरहानपुर में है कॉटन अब देखो कॉटन हम लोग देखते हैं कि हम जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है वो मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है अगर इस एरिया को देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट मिलेगा uh, मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया मिलेगा अब इस पश्चिमी एरिया में यू हैव अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड बुरहानपुर यहाँ पे एक जिला है मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जो कि जोग्राफी का मैप अगर तुम लोगों को याद आया है वो स्लाइड याद आई है देन इट इज वेरी नाइस कि वेस्टर्न साइड में साउथ वेस्टर्न साइड में बुरहानपुर मिलेगा दैट इज द रीजन की यहां पर कॉटन मिल है ऐसे याद रख लो वेस्टर्न साइड है बुरहानपुर का जिला साउथ वेस्टर्न साइड में है इसलिए आपका जो पहला कॉटन मिल है दैट इज इन बुरहानपुर ओके okay? और इसके बाद पहले शुगर मिल की बात करी तो जाओरा पहले शुगर मिल की बात करी तो वो हो गया जाओरा ओके okay? ये टेबल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या याद करना है बैठे बैठे तुम्हें तो याद करा दिया मैंने नेपा नगर बुरहानपुर में तुम्हारा पेपर मिल सीमेंट इंडस्ट्री तुम्हारी मुरैना में कॉटन मिल अभी मैंने इतनी हिस्ट्री सुना दी तुम्हें बुरहानपुर की और पहले शुगर मिल की बात करें तो रतलाम यानी कि जावरा ओके ये हो गया इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो पल्स मिल्स की बात हो गई वेजिटेबल घी की बात हो गई स्ट्रॉ बोर्ड मिल की बात हो गई अब स्ट्रॉ बोर्ड मिल क्या होता है जैसे मैं तुम्हें बता रही थी कि सिल्क के टाइप्स होते हैं वैसे ही कई बारी वुड uh, मैन्युफैक्चरिंग के भी टाइप्स होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको इंजीनियर्ड वुड वगैरह आती है ना अ टाइप ऑफ दैट अ टाइप ऑफ दैट इज अ स्ट्रॉ बोर्ड ओके तो स्ट्रॉ बोर्ड मिल हो गया इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल्स अब मैं टेक्सटाइल्स की बात करूंगी तो प्लीज मुझे बताओ यहाँ पे मैं किस जिले की बात करूंगी अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूंगी तो किस जिले का यहाँ पे जिक्र होना काफी ज्यादा जरूरी है बिना उसके हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते ओके सो दैट डिस्ट्रिक्ट इज डेफिनेटली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंदौर इंदौर आपका टेक्सटाइल्स के नाम पे सबसे आगे आ ही जाता है तो इंदौर इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन ऑफ स्टेट टेक्सटाइल प्रोडक्शन में इंदौर सबसे आगे है ओके आकाश इज ऑल्सो गिविंग एज अ फैक्ट हियर कि बुरहानपुर को हाँ गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं ठीक है इंदौर इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन ऑफ स्टेट इसके बाद हम बात करें तो टेक्सटाइल यूनिट्स और कहाँ पे लोकेटेड है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट इंदौर उज्जैन ग्वालियर आपके वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली और इंदौर उज्जैन और ग्वालियर में ये यह यहाँ पे लेकिन आपको इंदौर एज अ फैक्ट इंदौर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है अब फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहली लार्जेस्ट तो इंदौर में है लार्जेस्ट इंदौर में है लेकिन पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी यहां पे देखो कॉटन मिल बताया ना मैंने बुरहानपुर तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरहानपुर दिस इज इट वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं बस याद करना इंपॉर्टेंट है बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा अब आ गया हमारा सिल्क टेक्सटाइल सिल्क टेक्सटाइल में आपको क्या याद रखना है कि ग्रासिम मिल नागदा का plant, in fiber, में, इंडिया का ये जो है यहाँ पे ये ग्रासिम मिल जो है दिस इज द बिगेस्ट प्लांट अब ये जो है विस्कस स्टेपल फाइबर अब बोलोगे ये क्या होता है तो ये एक तरीके का फाइबर है जो कि मैन मेड है दिस इज अ मैन मेड फाइबर ह्यूमन मेड मैन मेड फाइबर है विच इज ऑल्सो विच इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल ये एक बायोडिग्रेडेबल भी है ये बायोडिग्रेडेबल भी है ये बायोडिग्रेडेबल भी है ओके okay, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे खास बात इसकी क्या है सबसे खास बात इसकी ये है कि ये जो विस्कस विस्कस्टेबल फाइबर है दिस इज सिमिलर टू कॉटन कॉटन की तरह है अब कॉटन तो नेचुरल हो गया दिस इज मैन मेड ये बायोडिग्रेडेबल है और एक खासियत इसकी ये है कि ये इजिली ब्लेंडेबल है यानी कि आप इसको किसी भी तरीके से ब्लेंड कर सकते हो किसी भी तरीके से मिला सकते हो तो क्योंकि ये मैन मेड है तो हम इसमें ह्यूमन चेंजेस ला सकते हैं हमारे तरीके से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं एंड इट इज डेफिनेटली एक काइंड ऑफ ऑल्टरनेट सिल्क टेक्सटाइल्स के अंडर ये एक ऑल्टरनेट है आर्टिफिशियल है इसलिए मैंने बोला कि मैन मेड है आर्टिफिशियल है हम बनाते हैं तो ग्रासिम मिल नागदा का इज इम्पोर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट और ये बायोडिग्रेडेबल है अब विस्कस टेबल फाइबर मत याद रखो सिर्फ इतना याद रखो कि दिस इज द लार्ज बी क्या होता है उस पर मत जाओ ठीक है रट लो यहाँ पे कि वी एस, वी एस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस सेक्टर में यहाँ पे जो है दैट इज योर ग्रासिम मिल बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बायोडिग्रेडेबल को प्लीज कोई हिंदी में एक्सप्लेन कर दो ठीक है अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो पेपर इंडस्ट्री अब पेपर इंडस्ट्री की बात कर रही हूं मैं तो किसके बिना बात नहीं की जा सकती यहाँ पे नेपानगर की के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं न्यूज प्रिंट नेपानगर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं सो हियर वी हैव नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल ये एक पी है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नवरत्न और महा, म, महारत्न ये जो है ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले दिस इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ये नेपानगर यानी कि बुरहानपुर में है और ईयर इसका 1948 फोर्टी एट का है अब somebody here वॉज एक्चुअली टेलिंग अबाउट अ चांदनी पावर प्लांट तो ये देखिए आपका चांदनी पावर प्लांट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू नेपा मिल्स चांदनी पार प्लांट सप्लाइज जस्ट अ सेकेंड हम्म तो ये जो चांदनी पार प्लांट है ये भी बुरहानपुर में है चांदनी पार प्लांट इज ऑल्सो इन बुरहानपुर ये चांदनी पार प्लांट जो है ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी टू द नेपा मिल्स आपके जो पेपर पेपर प्रिंट वाले न्यूज प्रिंट वाले जो पेपर मिल हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कौन चांदनी पावर प्लांट ये भी कहाँ है बुरहानपुर में है इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल की सिक्योरिटी पेपर मिल की बात होगी तो ये होशंगाबाद में है तो न्यूज प्रिंट पेपर मिल की बात करी हमने तो दैट इज इन नेपा नगर अदरवाइज अगर हम सिक्योरिटी पेपर मिल की बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज इन होशंगाबाद ठीक है इसके बाद ओरिएंटल पेपर मिल तो देखो पेपर मिल बोले तो ब्लाइंडली टिक करके नहीं आना सिक्योरिटी पेपर मिल बोल रहा है ओरिएंटल पेपर मिल बोल रहा है या न्यूज प्रिंट के लिए बात कर रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूज प्रिंट के लिए बात कर रहा है तो नेपा नगर सिक्योरिटी पेपर मिल की बात कर रहा है तो होशंगाबाद अदरवाइज ओरिएंटल पेपर मिल की बात कर रहा है तो अनूपपुर में एक जगह है अमलाई अनूपपुर जिले में एक जगह है <coughs> एक जगह है अमलाई उसकी बात हो रही है ओके okay. नेक्स्ट वी हैव प्लाईवुड की एक तरीके का वुड है जैसे कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ वुड अभी इंजीनियर्ड वुड की हमने बात करी थी वैसे एक प्लाईवुड प्लाईवुड तो जानते ही हो यार घरों घरों में यूज होता है तो प्लाईवुड की बात हो गई तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड प्लाईवुड फैक्ट्री पहली फॉरेस्ट बेस्ड प्लाईवुड की फैक्ट्री कहाँ पर है मध्य प्रदेश में इट वस्टैब्लिश्ड इन इटारसी इटारसी में था इटारसी फर्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड प्लाईवुड अब हम बीड़ी और टोबैको इंडस्ट्री की बात करेंगे जब हम लोग शायद फॉरेस्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि आ, आपकी जो तेंदू पत्ता तेंदू लीव्स की बात हमने करी थी कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता का प्रोडक्शन है कितनी सारी लाइव कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली उस पर एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए डिपेंड करता है तो तेंदू पत्ता इज वेरी इम्पोर्टेंट तो पत्ता की बात करें तो एमपी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पत्ता एंड इसका मेन सेंटर तेंदुपत्ता पे है इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर आपका जबलपुर में है ठीक केमिकल एंड गैस बेस्ड इंडस्ट्री की बात करेंगे जल्दी जल्दी सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट आसागोड ऑयल रिफाइनरी बीना में है पहले देख चुके हैं और ये इंडिया ओमान गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर है आसागोड ऑयल रिफाइनरी इसके बाद मीथेन गैस प्रोडक्शन की हमने कल बात करी थी तो हमने देखा था कि किस इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे आता है किस कंपनी का नाम यहाँ पे आता है दैट इज योर रिलायंस तो रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड का ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है मिथेन गैस पाइपलाइन एक और चीज हमने देखी थी विचव कि ये जो पाइपलाइन है ये एम से यूपी तक बनाई जाएगी एम में कहाँ से शहडोल से यूपी तक बनाई जाएगी तो ये आपका मिथेन गैस पाइपलाइन के बारे में हो गया कल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात कर रहे थे हम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर गुना की बात करी हमने गुना में है ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और इसको आपका फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल पैसे से एंड टेक्निकल सपोर्ट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है इसको यूएस और इटली से भिलाई पावर प्लांट की बात करी थी कुछ हमने जापान से रिलेटेड बात करी थी अभी ऊपर हमने एक आध दो चीजें और देखी कि यूएस का कहाँ पे रोल था तो ये फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे यूएस एंड इटली से आ रहा है कौन से प्रोजेक्ट्स में किस कंट्री से आ रहा है दैट इंपॉर्टेंट दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट ठीक है इसके बाद बात करें गैस इज सप्लाइड बाय गेल गैस इज सप्लाइड बाय गेल गेल का फुल फॉर्म पता है गेल का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो ओके अदर प्लांट्स की बात करें तो सोम डिस्टिलरी इज द बिगेस्ट इन मध्य प्रदेश डिस्टिलरी क्या होती है कुछ अल्कोहल रिलेटेड अल्कोहल बनाने uh, से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री की हम बात करें तो उसे डिस्टिलरी बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज तो सोम डिस्टिलरी की बात करें तो दैट इज द बिगेस्ट इन मध्य प्रदेश इंडिया नहीं बोल रही हूँ दैट इज द बिगेस्ट इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में ये सबसे सबसे ज्यादा बड़ा है और ये जो है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल आपका बेतवा नदी में पोल्यूशन करने के लिए हमारी कौन कौन सी नदियां कहाँ से बहती हैं ये हम रिवर्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी तो वाटर पोल्यूशन बेतवा नदी में करने के लिए एक जो इंडस्ट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज योर सोम डिस्टिलरी ठीक है अब इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एनिमल प्रोड्यूस एनिमल प्रोड्यूस पर बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री डेयरी लेदर वगैरह की बात करेंगे हम एनिमल्स पर बेस्ड एनिमल प्रोड्यूस पर बेस्ड रहता है ठीक है सबने गेल का फुल फॉर्म सही बताया है दैट्स गुड तो यहां पे देखो डेयरी सेक्टर की बात करें अगर डेयरी सेक्टर की बात करें अगर तो आपका मध्य प्रदेश का डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन मध्य प्रदेश का डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है ये थर्ड बिगेस्ट है इंडिया में इंडिया में थर्ड बिगेस्ट है इंडिया में थर्ड बिगेस्ट है डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन मध्य प्रदेश का ओके लेदर इंडस्ट्री की बात कर देखो थर्ड बिगेस्ट बता रही हूँ मैं तो अगर इंडिया में ही होगा ना एमपी बताना, हो, तो बताना होता तो सबसे बड़ा बताती पहले एमपी बताना होता तो सबसे बड़ा बताती जस्ट हेलो हेलो आई एम इन अ क्लास राइट ना सो अगर मुझे फर्स्ट बताना होता तो मैं आपको एमपी का बताती थर्ड बिगेस्ट बता रही हूँ तो दैट इज इन केस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली ओके तो ये हो गया आपका एम पी डेरी कोऑपरेटिव फेडरेशन इसके बाद अगर लेदर इंडस्ट्री की बात करें लेदर इंडस्ट्री चमड़े की अगर बात करें तो टाटा लेदर ऑफ देवास देवास का टाटा लेदर इट इज द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनी ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा है ये ये चीज ध्यान रखो इंडिया का बड़ा पूछा जा रहा है एमपी का बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनी ऑफ इंडिया एंड okay? so, आपकी अगर हम मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की बात करें तो दैट वॉज स्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन इन भोपाल देखो ज्यादातर यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स या जिनका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है ये एटलीस्ट आपके जो निगम है कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो भोपाल से रिलेटेड है हमेशा नहीं बोल रही हूँ जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें कई जगह हमने ऐसा देखा है ठीक है तो लेदर इंडस्ट्री के लिए आप ये टाटा लेदर टाटा लेदर को याद रखें देवास में है ये याद रखें चलो फिर सिल्क इंडस्ट्री की बात करते हैं देखो सिल्क डायरेक्टरेट वापस से भोपाल में आकर डायरेक्टरेट हो गया हेडक्वार्टर हो गया कुछ विकास निगम का ऑफिस हो गया तो ये सारी चीजें आपकी ज्यादातर भोपाल में मिलेंगी आपको सिल्क डायरेक्टरेट देखा 1984 इन भोपाल मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स की अगर बात करें तो मंडला और सियोनी मंडला और सियोनी इज इंपॉर्टेंट अब सियोनी की बात करें तो सियोनी को क्या बोला जाता है इट इज नोन एज लखनऊ ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का लखनऊ बोला जाता है इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ बोला जाता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठीक अब सिल्क के कई टाइप्स होते हैं टसर सिल्क हो गया मलबरी सिल्क हो गया ठीक है तो सिल्क के टाइप्स होते हैं कई बार आपसे पूछे कि टसर क्या होता है इट इज अ टाइप ऑफ वॉट तो यू नीड टू नो कि इट इज अ टाइप ऑफ सिल्क सिल्क इंडस्ट्री में सिल्क का एक प्रकार होता है ओके नाउ वी कम टू अदर इंडस्ट्रीज कुछ अदर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, इन पॉइंट्स को एक बार पीपीटी से पीडीएफ uh, डी से पढ़ लेना खेरवाड़ ट्राइब आपकी एक इंपॉर्टेंट है ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश की है खेरवाड़ ट्राइब अगर पूछा जाए कहाँ की है मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से की है तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश की एक ट्राइब है एंड दैट इज मेनली नोन फॉर कथा का ऑक्यूपेशन अब कथा जो है वो किस प्लांट से आता है किस पेड़ से आता है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम खैर ट्री ओके okay? एंड ये हमें ध्यान रखना है कि खैरवार ट्राइब जो है वो आपकी पूर्वी यानी कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश से आता है ईस्टर्न मध्य प्रदेश की ट्राइब है इसके बाद हम लाख की बात करें तो लाख की इंडस्ट्री लाख एक बेसिकली एक आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्री प्रोड्यूस है ओके एंड लाख के अगर आप लोगों ने चूड़ियां लाख की चूड़ियां काफी ज्यादा फेमस है ठीक है तो लाख इंडस्ट्री आपकी कहां पर है उमरिया में है लाख की इंडस्ट्री इज इन उमरिया इसके बाद हम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पहले भी पढ़ चुके हैं इसका ईयर 1981 ईयर 1981 एटी स्टैब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंट है ये अभी मैंने ऊपर तुम्हें बताया था वुड से रिलेटेड चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड जो कि इंजीनियर्ड वुड की तरह होते हैं कभी कभी प्लाईवुड भी इसमें टाइप आ जाता है राइट तो दिस इज इन इटारसी इटारसी में मैन्युफैक्चर किया जाता है चिप बोर्ड एंड पार्टिकल बोर्ड इसके अलावा अगर बात करें तो चंदेरी की साड़ीज वो टूरिज्म वाला गाना आया चंदेरी की साड़ी देखो हिंदुस्तान का दिल देखो नहीं आया तो जिन लोगों ने नहीं सुना वो प्लीज जाके सुन लो ओके okay, यहाँ पे कुछ नए बच्चे हमारे साथ मे भी हो सकता है ज्वाइन करें तो एमपी टूरिज्म का गाना जाके सुनो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बड़ा मजा आएगा चंदेरी की साड़ीज भी जाके गूगल करके देखो इसके अलावा बाघ प्रिंट बाघ प्रिंट की भी साड़ियां होती हैं एंड यू ऑल्सो हैव भैरूगढ़ प्रिंट्स तो ये प्रिंट्स देख लो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चंदेरी की साड़ी चंदेरी की साड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay, अब ग्रेनाइट की बात करते हैं ग्रेनाइट को हिंदी में कुछ बोलते हैं क्या ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिशिंग की अगर बात करें अच्छा ऊपर अभी मैंने तुम लोगों को बताया था डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग बताओ डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग जो मैंने बताया था वो कहाँ पे था वो डायमंड कटिंग पॉलिशिंग जो इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे थी तो ग्रेनाइट कटिंग की जब बात करेंगे तो दैट इज दतिया दतिया का जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज फेमस फॉर ग्रेनाइट कटिंग ग्रेनाइट कटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मार्बल की बात करेंगे तो कटनी का जिला इंपॉर्टेंट है मार्बल की बात करेंगे तो कटनी का जिला इंपॉर्टेंट है ठीक है नुपुर बाग इज इन धार ओके okay, सो so बाघ यहाँ पे बाघ प्रिंट की हमने बात करी ना तो बाघ प्रिंट हैज हिस्ट्री रिलेटेड टू बाघ केव्स बाघ केव्स ये तुम लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो तुम शायद कनेक्ट कर सकते हो इसका बाघ केव से भी रिलेशन है जो कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं यूजुअली ठीक तो दतिया में हमने देख लिया ग्रेनाइट कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री एंड मार्बल इंडस्ट्री हमने कहा देखी कटनी में देख ली ओके नाउ वी मूव अहेड टू आर आर सी ए टी आर आर सी ए टी इसके पहले बताओ किसी को कोई डाउट है क्या किसी को कोई डाउट है क्या <clears throat> Thank you so much, Sandeep. Simran, it's good if you learn it. कभी पूछ ले तो इट्स गुड इफ यू लर्न इट लेकिन अभी जो अपनी तैयारी है ट्वेंटी फिफ्थ मार्च तक के हिसाब से ऐसे रखो कि यू प्रायोरिटाइज थिंग्स थिंग्स को प्रायोरिटाइज करो टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो और उसके बाद और उसके बाद देखो कि कितना कर पा रहे हो कितना नहीं कर पा रहे हो मैं तो तुम्हें जस्ट अकेंड मैं तो तुम्हें पूरे सिलेबस से बता दूंगी ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो लेकिन वो चीज कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो ईयर याद कर, कर करने हैं लेकिन अभी उसको प्रायोरिटाइज मत करो अभी अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से प्रायोरिटाइज करो जो कर पा रहे हो जो कर सकते हो जो सबसे पहले करना चाहिए पहले वो करो ओके कृष्णा आई डाउट आज थ्री क्लासेस होंगे या दो मे बी फाइव मे बी फाइव ओके ठीक है आर आर सी ए टी राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सेंटर है आपका एंड दिस वॉज स्टैब्लिश इन इंदौर इंदौर जिले में है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब यहाँ पे ये तीन पॉइंट देखना और इन तीन पॉइंट को यहीं पढ़ के यहीं छोड़ देना यहीं छोड़ देना एज एजन यहीं पढ़ के यहीं दिमाग में बिठा के यहीं दिमाग में छोड़ देना इसके डिटेल में मत जाना इसको गूगल करने मत बैठना वरना ये जो है ना ये गोल 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 घूमने लगेगा ओके okay? स्पेशली फॉर दोजर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो फर्स्ट लेजर प्रोडक्शन सेंटर ऑफ एशिया है पहला लेजर प्रोडक्शन सेंटर है एशिया का एंड थर्ड इन द वर्ल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी का से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो समझ लो दिस इज समिंग रिलेटेड टू फिजिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है एक ये एंड दिस सेंटर ये जो एक सेंटर है ये लेजर प्रोडक्शन सेंटर है मत पूछना की लेजर प्रोडक्शन सेंटर में क्या होगा फिजिक्स में हम कौन से पार्टिकल को कौन से इलेक्ट्रॉन को किसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं नॉट इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इट इज द फर्स्ट लेजर प्रोडक्शन सेंटर ऑफ एशिया पहला लेजर प्रोडक्शन सेंटर एशिया का एंड तीसरा इन द वर्ल्ड वॉट इज इंपोर्टेंट इज क्या प्रोड्यूस करता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है लेजर प्रोडक्शन सेंटर तो है पर ये कर क्या रहा है प्रोड्यूस क्या कर रहा है वर्ल्ड के बेस्ट एक्सिलरेटर्स को प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के बेस्ट एक्सिलरेटर्स को प्रोड्यूस करता है एक्सीटर गाड़ी का एक्सिलरेटर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है कि एक्सिलरेट करते हैं सो दिस इज बेसिकली अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स ये एक टर्म है आपका जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है फिजिक्स में बेसिकली आप देखते हो कि कई बार ऐसे कुछ मशीन्स uh, होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट किया जाता है और उनका कुछ आगे फिजिक्स में यूज होता है सिर्फ इतना समझ लो तो वो इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए उनके एक्सिलरेशन के लिए ये यहाँ पे एक्सिलरेटर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो दिस आर आर सी ए टी ये जो सेंटर है इट प्रोड्यूज वर्ल्ड के बेस्ट एक्सिलरेटर्स कॉल्ड एज इंडस कॉल्ड एज इंडस एंड दैट इज यूज इन इसको सही करो ये सन लैब नहीं है दिस इज दी सी ई आर एन लैब सर्न लैब सर्न लैब के बारे में पढ़ लेना इट्स इंटरेस्टिंग दो चार लाइन पढ़ लेना सर्न लैब इन स्विट्जरलैंड ओके सो दिस इज वेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड बेस्ट एक्सलरेटर इंदौर में लेजर प्रोडक्शन सेंटर है आपका पहला एशिया का एंड एशिया का इंडिया का भी नहीं एशिया का होगा तो इंडिया का तो हो होगा सो फर्स्ट लेजर प्रोडक्शन सेंटर ऑफ एशिया एंड थर्ड इन द वर्ल्ड दिस इज इंपॉर्टेंट और इसका स्लोगन क्या है एटम इन सर्विस ऑफ नेशन एटम इन सर्विस ऑफ नेशन तो ये एटम से आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये जो एक्सेरेटर है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल्स को एक्सेलिरेट करने से रिलेटेड है ओके एंड लाइक राजेश टेलिंग कि आपका जो सन है सर्न लैब आपकी जो है स्विट्जरलैंड में दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू आपका गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल जानते हो क्या होता है तो गॉड पार्टिकल का जहां नाम आए वहां अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राजा सिंह इज आस्किंग सर्न का फुल फॉर्म इट इज यू हू है कंट्री सो सर्न लैब इन स्विटरलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट आर आर सी ए टी की हमने बात कर ली यहाँ पे ओके सिक्योरिटी पेपर में ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं होशंगाबाद नाउ वी टॉक अबाउट सी आर आई एस पी विच इज सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस सी आर आई एस पी इसका ये भी कहां स्टैब्लिश हुआ है दिस इज ऑल्सो स्टैब्लिश्ड इन भोपाल एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन में जर्मनी के साथ कोलेबोरेशन में लाया गया है जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन में लाया गया है ओके <coughs> अब हम बात करेंगे ये इस टेबल को देख लो फॉर पीपल विफ बीन आस्किंग में कि क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है जस्ट लुक एट दीज पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं और ये मध्य प्रदेश में है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग है ये मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ सो लुक एट दिस लुक एट दिस एंड लुक एट दिस वॉर वेपन्स प्रोड्यूस करने की बात हो रही है वॉर वेपन्स प्रोड्यूस करने की बात हो रही है और धनुष आर्टिलरी की बात हो रही है यहाँ पे तो क्या वॉर वेपन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करेगा इन द सेंस क्या हम छत्तीसगढ़ से लड़ने के लिए या गुजरात से लड़ने के लिए वॉर वेपन प्रोड्यूस करेंगे डेफिनेटली नॉट तो हमारे ये जो वॉर वेपन है ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं और समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर डिफेंस सेक्टर डिफेंस ऑफ इंडिया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हैज कम एंड टू प्ले दिस इज द रीजन की जो वॉर वेपन धनुष आर्टिलरी वॉर से रिलेटेड चीजें हैं दे आर पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ देंट्रल गवर्नमेंट ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हुई ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है कि वॉर वेपन का प्रोडक्शन इज इन जबलपुर यहाँ पे सिर्फ जबलपुर नहीं बोल रही हूँ वन पब्लिक अंडरटेकिंग जो की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और जो मध्य प्रदेश में है और जो वॉर वेपन से रिलेटेड काम कर रही है दैट इज इन जबलपुर इसके बाद गन कैरेज फैक्ट्री की बात करिए धनुष आर्टिलरी क्या है फोटो देखी है धनुष आर्टिलरी रिपब्लिक डे परेड में धनुष आर्टिलरी को देखा है कभी गूगल करना धनुष आर्टिलरी को तो गन कैरेज फैक्ट्री दैट इज इन जबलपुर ये भी आपका धनुष आर्टिलरी मैन्युफैक्चर करता है ओके okay, तो इनको देख लो कुछ हाइलाइटेड चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं और कुछ उनके प्रोडक्शन वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन होता है तो मे भी देखे नास्क क्योंकि करेंसी पेपर का प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है अगर सिक्योरिटी पेपर मिल है तो वो कहां पर है पेपर करेंसी का मिल है वो कहाँ पर है रेलवे कोच फैक्ट्री है वो कहां पर है सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली मैंने कुछ चीजें हाईलाइट करके रखी हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदरवाइज रीड दिस होल टेबल यू हैव टू हैव एन आइडिया एक आइडिया होना ही चाहिए कि कहां पर है ठीक है ये ये एक टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया नेक्स्ट वी कम टू पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक मैंने सेंट्रल की बात करी अब मैं बात कर रही हूँ स्टेट की तो टैनरी की बात करी पोट्री की बात करी कोल्डरिंग प्लांट की बात करें टिम्बर रिलेटेड प्लांट की बात करें अम्ब्रेला रिलेटेड अम्ब्रेला रिलेटेड मुझे नहीं पता मुझे क्यों हमेशा याद रहता है बट जैसे ही मैं अम्ब्रेला इंडस्ट्री की बात सुनती हूँ मुझे मऊ हमेशा याद आ जाता है आई डोंट नो अम्ब्रेला भी कुछ एकदम डिफरेंट सी चीज है और मऊ का नाम भी मुझे पता नहीं क्यों डिफरेंट लगता है सो अम्ब्रेला इंडस्ट्रीज आई कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मऊ इफ यू कैन ऑल्सो डू इट देन याद हो गया तुम्हें ओके okay? और नहीं तो समझ लेना कि मुझे थोड़ा सा ऐसे याद रहता है तुम्हें भी याद रह गया बाइसिकल इंडस्ट्रीज की बात करी तो गुना में है दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट दिस टेबल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपसे अगर पूछा जाए कि बाइसिकल रिलेटेड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर है ये इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पर है सो दिस इज इन गुना बाइसिकल इंडस्ट्रीज गुना ओके ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है अब मैं इसको रीड करने में और एक एक तुम्हें बताने में टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करूंगी पीडीएफ जब मिले तो पढ़ लेना बैठ के जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट कि यहाँ पढ़ लिया है तो हो गया दिस इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट यहां मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ चीजें यहां मैं बोलती हूँ इसे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है लेकिन वो दो दिन तक बैठी रहेंगी पढ़ोगे नहीं तो तीसरे दिन साफ हो जाएगा सो प्लीज गो एंड रीड इसके बाद दिस वॉज द टेबल आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वॉज द टेबल आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टॉकउट यहां हैं दीज आर अराउंड थर्टी थ्री ये थर्टी थ्री पता होने चाहिए ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री मंडीदीप रायसेन में बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में क्यों ग्वालियर के लोग बहुत बिस्किट खाते हो क्या तुम लोग जेलिटिन फैक्ट्री जबलपुर में है लेदर इंडस्ट्री देवास में है देन यू हैव इंसेप्टीसाइड रिलेटेड टू भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बी से याद कर लो भोपाल सो दिस इज इंपॉर्टेंट अमलाई नेपा नगर की हमने बात करी थी इसलिए न्यूज प्रिंट और पेपर पेपर मिल इम्पॉर्टेंट हो जाता है ओके okay? ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके बाद हम देखो यहाँ पे ओरिएंटल पेपर देख लिया हमने यू हैव कोल माइन अम्ब्रेला रिलेटेड देखो फिर यहाँ पे मऊ आ गया देन यू हैव अ वॉच फैक्ट्री इन बैतूल वॉच फैक्ट्री इन बैतूल तो ये जो थर्टी थ्री है ये थर्टी थ्री को खुशी खुशी याद कर लो इन थर्टी थ्री को इन थर्टी थ्री को खुशी खुशी याद कर लो ओके okay? इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना इसको इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट यू कैन रीड इट बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ब्लैंक ना बैठो हमेशा बोलती हूं मैं तुम लोगों को उसके लिए इसको याद कर लो इसके लिए इसको पढ़ लो याद मत करो बैठ के यू शुड है कि किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और वहां पे क्या है Because अगर मल्टी प्रोडक्ट रिलेटेड एसीजी की बात हो रही है तो धार का जिला धार के जिले की बात हो रही है इतना देख लो इसको और इस पी को दो बार तीन बार देख लोगे तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कितने एसीजी हैं कहां पर है दैट्स इट ओके साकेत इज गिविंग बैतूल वॉच फैक्ट्री इज नाउ डिसंक्शनशन तो प्रेजेंट कहा है, है कि नहीं है ये बता दीजिए लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वॉच फैक्ट्री की अगर बात होती है no here, तो हम लोग बैतूल <coughs> हम लोग बैतूल को मार्क करके आएंगे ओके नाउ वी हैव स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेंटर्स ये लो यार अम्ब्रेला को अब, अब चार बार हो गया ये तो अब अम्बरेला मैं तो भूलती नहीं तुम लोग भी नहीं भूलने वाले हो ये जेलेटिन नहीं है दिस इज जेलेटिन इंडस्ट्रीज जी ई एल ए टी आई एन जेलेटिन इट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोटीन्स अब क्या है क्यों है इसके हम लोग कैसे बनता है उस पर नहीं जा रहे समझ लो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोटीन्स ओके तो जेलेटिन इंडस्ट्री की अगर बात करें दैट इज इन जबलपुर And you have insulin manufacturing industry in Devas. Insulin manufacturing industry in Devas. Okay. any ko doubt, hai, otherwise, we will be reading around 20 30 facts now and then we will end this topic. These facts read karenge, and then we will end this topic. People who are new here and are watching this can join my Telegram channel by the name Knowledge. Just a second. Knowledge R दे कैन गेट द देयर डायरेक्टली क्लास के बाद वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी एंड यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं काफी एमसीक्यूज यहाँ पे जाते हैं डिस्कस तो नहीं यहाँ पे भेजे जाते हैं विच हम लोग इन रिसेंट फ्यू क्लासेस डिस्कस करेंगे तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ओके कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को <coughs> चलो फैक्ट्स की बात करते हैं ये सारे वही फैक्ट्स हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं बट अब हम इसको एक concise form में, एक में तरीके से सिर्फ रटने के उससे ये facts को देखेंगे Handicraft Development Corporation, 1981 1981 MP Handicraft Development Corporation का year, 1981 का लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं स्किल सिल्क मत देखना इसको स्किल पार्क की बात कर रहे हैं इट इज इन भोपाल सबसे ज्यादा समझ लो कि स्किल्ड लोग जो होते हैं वो भोपाल में ही होते हैं ऐसे समझ लो ठीक है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लो वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉट इवन आई एम टॉकिंग अबाउट एमपी का इंडिया का नहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क इज बींग कंस्ट्रक्टेड इन भोपाल ओके इसके बाद मंडीदीप जो है इंडस्ट्रियल जोन है कौन से जिले में है रायसेन में है ऑप्टिकल फाइबर हम लोग दो बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोल ऑप्टिकल फाइबर प्लांट आपके ऑप्टिकल फाइबर का एक अकेला एकमात्र प्लांट मध्य प्रदेश का कहां पर है मंडीदीप में है मंडीद्वीप में है ये था वो जो जापान की हेल्प से बनाया गया था इतनी बार तुम लोगों से पूछ रही थी कल तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे सोल ऑप्टिकल फाइबर ये जो मंडीदीप का आपका फाइबर प्लांट है इसको जापान की मदद से बनाया जा रहा है इसको जापान की मदद से बनाया जा रहा है लार्जेस्ट सोयाबीन अब सोया स्टेट है सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन है तो लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट ऑफ एशिया सोयाबीन का सबसे बड़ा प्लांट एशिया का कहां पर है उज्जैन में है ओके जरी की बात करें जरी एक तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है जरी के कपड़े वगैरह देखना जरी एम्ब्रॉयडरी जिन कपड़ों पर होती है उनको देखना एक बार में बैठ जाएगा या तो जरी के कपड़े आपको भोपाल में पुराने भोपाल की तरफ जाओगे तो काफी ज्यादा जरी के कपड़े मिलेंगे ओके तो जरी और कढ़ाई की अगर बात करें तो दैट इंडस्ट्री इज इन भोपाल ये इंडस्ट्री आपकी भोपाल में है अब देखो सोल वॉच मेकिंग प्लांट ऑफ स्टेट अभी वॉच की बात कर रहे थे ना इतना जो बंद हो गया है तो वॉच की बात करेंगे तो बैतूल कर देना ओके एनर्जी कैपिटल मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल क्या है दैट इज सिंगरौली मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल इज सिंगरौली ओके okay. इसके बाद अभी हमने देखा था डायमंड कटिंग प्लांट डायमंड कटिंग प्लांट विजय कुमार इंटरनेशनल पीतमपुर धार पूरे चैप्टर को कंसाइज किया जा रहा है यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लाई जा रही हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे इसलिए इसको पढ़ो डायमंड कटिंग प्लांट आ गया पीतमपुर धार आसागोड़ बीना ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे हो गया कौन सी कंट्री आई थी यहाँ पे एक ओमान का नाम आया था ओमान का नाम आया था ओके टिश्यू पेपर टिशू पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंदौर में है ग्वालियर के लोग बिस्किट खाते हैं इंदौर के लोग टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं भोपाल के लोग सबसे ज्यादा स्किल्ड हैं ओके रेलवे रेलवे वैगन शॉप कोच फैक्ट्री भोपाल में है रेलवे से रिलेटेड समझो देखो तुम्हारा वो आई एसओ सर्टिफाइड ट्रेन आपका एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन था न्यूज में देन यू हैव द रेलवे वैगन वर्कशॉप शौ, यानी और रेलवे कोच फैक्ट्री दैट इज ऑल्सो भोपाल ओके इसके बाद बिगेस्ट शुगर प्लांट बिगेस्ट शुगर प्लांट पहला कौन सा था ये बताओ और बिगेस्ट शुगर प्लांट ऑफ द स्टेट इज इन इंदौर बरलाई okay? mills, दो cooperative. Cooperative को क्या बोलते हैं सहकारी टू कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की बात करते हैं एक यही बरलाई वाला इंदौर वाला एंड एक मुरैना में है ओके सो इंदौर ओके यहाँ पे समवटी इज गिविंग एज अ ट्रिक टू लर्न कि क्लीन सिटी है तो टिश्यू उसे साफ करती रहती है तो टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग uh, यहाँ पे होती है क्लीन सिटी है ना इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण ओके okay, सो so, टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंदौर में है एंड आएम प्रिटीश नो बडीज फॉर गेटिंग दिस ओके डीजल इंजन इंजन मैन्युफैक्चरिंग की बात करी तो ये सीहोर हम पढ़ चुके हैं इसके बाद देर आर सिक्स इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट इन स्टेट डिफेंस से रिलेटेड आपकी आर्टिलरीजेड मध्य प्रदेश अकेले में एंड उसमें से चार अकेले जबलपुर में अभी मैंने तुम्हें दिखाया था धनुष आर्टिलरी और वॉर वेपन से रिलेटेड जबलपुर में थी आपके आपके डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्रीज तो ये देखो छह में से चार अकेले जबलपुर में जबलपुर के लोग काफी लड़ाई करते हैं क्या जस्ट वे टू रिमेंबर ओके सबसे कम इंडस्ट्रियल सेंटर्स लीस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर इन पन्ना एंड हाईएस्ट आर इन पीतमपुर हर चीज हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग कई बार पीतमपुर डिस्कस कर चुके हैं कई बार हमने पूरे पीडीएफ में पीतमपुर डिस्कस किया है तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर इन पीतमपुर एंड सबसे कम आर इन पन्ना इसके बाद इसके बाद अगर बात करें तो यू हैव दिस आधार <perfektionic> ये गलत है यहाँ पे दिस इज नॉट आधार कच्छ विलेज दिस इज आधार कांच विलेज आधार कांच आधार कांच विलेज दिस आधार कांच विलेज ऑफ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की जो विलेज है ये फेमस है पिथोरा पेंटिंग के लिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है अब अगला मैसेज मेल मेरे पास ये आने वाला है कि आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा दो तो मध्य प्रदेश का जो फेमस पिथोरा पेंटिंग है पिथोरा आर्ट के नाम से जिसको जाना जाता है यहां ये कहां का फेमस है दिस इज फेमस ऑफ दिस विलेज आधार कांच विलेज आधार कांच विलेज ऑफ अलीराजपुर ठीक है अलीराजपुर का एक और चीज यहाँ की इंपॉर्टेंट है देवर नूर मैंगोज जो आते हैं ये इस विलेज के इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो यू हैव सम बीड मेकिंग का काम हो दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड गार्डेंड्स बीड से रिलेटेड जो मालाएं वगैरह होती है आई विल शेयर दिस लिंक विद यू एक न्यूज थी काफी इंटरेस्टिंग वो मुझे याद दिलाना वो मैं ग्रुप uh, पर डाल दूंगी ओके सो प्लीज रीड इट दैट वॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर अलीराजपुर का आधार कांच विलेज अपार्ट फ्रॉम दिस क्राफ्ट इंडस्ट्री ढोकर देखा है ढोकरा क्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब यार आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो ढोकराज क्या होते हैं अदरवाइज गूगल करके देख लेना ठीक है मैं ढोकर क्राफ्ट इंडस्ट्री क्या एक्सप्लेन करूं इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट हमने विजयपुर गुना का देखा इटली और यूएसए का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट है इसके बाद फर्स्ट जूल प्योरिफाइंग सेंटर जूल प्योरिफाइंग सेंटर जो है इंडिया का ये भी जबलपुर में है ये भी जबलपुर में है ओके सो दिस इज ऑल कुछ इंपॉर्टेंट और अगर है तो इसमें रीड कर लेना सत्रह पेज की पी डी पंद्रह पेज की पी डी एफ है इसको रीड कर लेना रीड करना बहुत जरूरी है और याद करना भी जरूरी है नहीं तो दस दिन बाद गायब हो जाएगा सिर से तो यहाँ पे टाइम आपका इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा नूपुर इज से ढोकरा छत्तीसगढ़ ऑल्सो आई थिंक ढोकरा हैज गॉट अ जी आई टैग फ्रॉम छत्तीसगढ़ जितना मुझे पता है अदरवाइज यू कैन कंफर्म इट वंस वो ढोकरा आर्ट जो है छत्तीसगढ़ का दैट डैट है जी आई टैग ओके उसके पास एक जी आई टैग है हमारे यहाँ पे बनता है लेकिन हमारे पास उसका जी आई टैग नहीं है ओके डन 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 वी नाउ दिस इज अब मुझे बताइए कोई डाउट है या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोई डाउट है यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उसके बाद आई विल सेंड दिस पीडीएफ ऑन द ग्रुप बिकॉज एक घंटे बाद आई विल अगेन टेक अ क्लास अब वो किस टॉपिक पे वो आई डिसाइड तो हम लोग क्वेश्चन यहां पे अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे कोई डाउट होगा तो मुझे मेल करोगे ओके okay? गुड तो अब बताइए कि बी एच ई एल कहां पे लोकेटेड है बी एच ई एल कहां पे लोकेटेड है प्रियंका यू नीड टू आंसर दिस बिकॉज यू विविंग अ ट्रिप टू रिमेंबर इट जस्टेल मी दिस इज इन भोपाल अब अगली बात करें तो विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश कहा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कौन सी सिटी में मे भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है लार्जेस्ट सिल्क स्किल पार्क का स्किल पार्क अभी बता रही थी मैं बिस्किट कहाँ के लोग खाते हैं टिश्यू कहाँ के और सबसे ज्यादा स्किल्ड की बात करें तो क्या है दिस इज अगेन भोपाल मैंने बताया था आपको ओके नेक्स्ट वी विल बी डूइंग द थर्ड क्वेश्चन द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का प्रोडक्शन यूनिट कहां पर है चार बार पढ़ लिया है इसी पीडीएफ में दिस इज द फिफ्थ टाइम वी आर डूइंग डूइंग इट एंड आल्सो अ क्वेश्चन आल्सो डूइंग अ क्वेश्चन उमंग अग्रवाल इट इज नॉट ग्वालियर इट इज नॉट ग्वालियर वेयर इज द प्रोडक्शन यूनिट जस्ट टेल मी वेयर इज द प्रोडक्शन यूनिट विजयपुर वेरी गुड इट इज विजयपुर आई हैड ऑल्सो आज डू की Wait, we'll do this question. Pehela diesel locomotive plant is going to be set up where? Is going to be set up where Okay, the answer here is Sihore. सो दीज आर आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं ये दीज आर अराउंड थर्टी क्वेश्चन कि इसमें से ट्वेंटी थ्री आउट ऑफ थर्टी तो तुम लोगों के आने ही चाहिए बाकी कोई फैक्ट्स अगर इसमें एक्स्ट्रा है कुछ नए हैं तो उसको हाईलाइट करो पी डी एफ में उसको हाईलाइट करो पी डी एफ में एंड उसको भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक जगह लिख के याद करो ओके डू दीज थर्टी क्वेश्चन कोई डाउट हो मेल इट टू मी वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास एक घंटे बाद प्रॉबेबली एक डेढ़ घंटे बाद आई विल लेट यू नो कब एंड दैट्स इट कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना जस्ट लाइक द सेशन वील मीट वेरी सून नाउ वी हैव मल्टीपल क्लासेस टुडे एंड ज्यादा से ज्यादा आपको फोर्टी फाइव मिनट्स का एडवांस नोटिस दूंगी मैं सो प्लीज स्टे अपडेटेड थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप द टेलीग्राम ग्रुप इज बाय दिस नेम इट इज बाय दिस नेम ओके नॉलेज आर ये ज्वाइन जो, करो ये ग्रुप को ज्वाइन करो एंड प्लीज हेल्प मी इन रीचिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को इफ पॉसिबल इफ यू आर लाइकिंग माय एफर्ट्स एम टेकिंग अ नंबर ऑफ क्लासेस इन अ डे तो प्लीज थोड़ा सा शेयर करो लेट्स मेक दिस अ बिग फैमिली एंड हम लोग साथ में सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्लियर करेंगे आई होप यू आर लाइकिंग इट होप टू सी यू सून दैट्स इट बाय बाय